नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट पेन प्रिंटर पुरस्कार से जुड़ी है। अभी हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में बच्चों के लिए लिखने के एक ऐसे तरीके का समर्थन किया है जो उनकी रोजमर्रा की दुनिया को दर्शाता हो। गौरतलब हो कि माइकल रोसेन बच्चों के लिए अपनी सुलभ कविता के लिए जाने जाते हैं और उनके विचार अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। उन्होंने 140 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। साथियों, यह पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों से एक लेखक को दिया जाता है जो समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई और निडर प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। आइए अब हम पेन प्रिंटर पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार को अंग्रेजी लेखक हेरोल्ड प्रिंटर के सम्मान और स्मृति में दिया जाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एक लेखक को दिया जाता है जो हमारे जीवन और हमारे समाज की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए बौद्धिक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार को 2009 में स्थापित किया गया था। इसके पिछले विजेताओं में हनीफ कुरैशी, सलमान रुश्दी और लेमन सस्से शामिल हैं। बता दें कि 2022 में यह पुरस्कार मैलोरी ब्लैकमैन को दिया गया था। यदि हम राष्ट्रमंडल की बात करें तो यह 56 स्वतंत्र और समान देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें अधिकतर वे देश शामिल हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म 1949 में लंदन घोषणा के बाद का माना जाता है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। वर्तमान में कोई भी देश आधुनिक राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है। इसमें शामिल होने वाले अंतिम चार देश रवांडा, मोजाम्बिक, गैबोन और टोगो हैं और इनका ब्रिटिश साम्राज्य से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।